नमस्कार, अनिता स्मार्ट किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और गणेश चतुर्थी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गणपति बाबा के लिए आज हम बना रहे हैं ड्राई फ्रूट्स के मोदक, तो आइए बनाना शुरू करते हैं। ड्राई फ्रूट्स के मोदक बनाने के लिए हमने काजू, पिस्ता और बादाम लिए हैं। ये तीनों मिलाकर एक कप है। आप अपनी इच्छा अनुसार काजू की मात्रा ज़्यादा कर सकते हैं या बादाम की मात्रा ज़्यादा कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। मेरा ये तीनों मिलाकर एक कप है। और इसमें हमने बादाम को एक घंटा पानी में गलने के लिए रख दिए थे और इनको हमने छील लिया है, छिलके उतार लिए हैं। और एक मिक्सी जार लेंगे हम, इसमें काजू और पिस्ता डालेंगे और गले हुए बादाम भी डाल देते हैं और इन्हें हम एक पेस्ट तैयार करना है। ये थोड़ा सा ड्राई लग रहा है इसलिए हम दो बड़े चम्मच दूध डालेंगे और एक स्मूथ पेस्ट बनाएंगे इसका। दूध डालने के बाद हमारा पेस्ट बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुका है। गैस की फ्लेम को चालू कर कढ़ाई रखेंगे और इसमें हम एक चम्मच देसी घी डालेंगे। घी को गर्म होने देते हैं। 12 से 15 हमने किशमिश लिए हैं, इनको एक मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। किशमिश अच्छे से फूल चुके हैं, इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। और जो हमारा काजू, बादाम और पिस्ता का पेस्ट था, इसे हम कढ़ाई में डाल देंगे। और फ्लेम को मीडियम कर देंगे ताकि पेस्ट तले में चिपके ना। और इसमें हमने 1/3 कप शक्कर ली है। शक्कर आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे भी ड्राई फ्रूट्स में थोड़ी सी मिठास होती है तो शक्कर कम ही लगती है। और इसमें हम हमारे तले हुए किशमिश डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे इसे। पेस्ट हमारा थोड़ा थोड़ा गाढ़ा हो रहा है और इसमें हम आधी चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे और इसे भी मिक्स कर देंगे। और गैस की फ्लेम को हम बंद कर देते हैं। जो हमारा काजू बादाम का पेस्ट है ये थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। इसमें हम 1/2 कप खोपरे का बूरा लिया है, ये मिक्स करेंगे अच्छे से। अब हम इसमें से थोड़ा सा बैटर को अलग निकाल लेंगे एक बाउल में। और इसमें मैं ग्रीन फूड कलर डाल रही हूँ। आप अपने मनपसंद का कोई सा भी कलर डाल सकते हैं, ऑरेंज, येलो, कोई सा भी। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मिक्स हो चुका है। अब हम मोदक का साँचा लेते हैं और इसमें उंगली की सहायता से हम घी लगाएंगे। और हमारे हाथों की उंगलियों पर भी थोड़ा सा घी लगाएंगे। और ग्रीन कलर का जो बैटर है इसमें से हम थोड़ा सा लेंगे, एक छोटी सी बॉल टाइप बनाएंगे और इसके अंदर उंगली की सहायता से अच्छे से फिक्स कर देंगे इसे अंदर। और फिर वाइट वाले हिस्से का हम थोड़े हिस्सा लेंगे और इसे भी इसमें ऊपर से अच्छे से पैक कर देते हैं। उंगली की सहायता से अच्छे से पैक करना है ताकि कोई जगह खाली ना रह जाए, वरना मोदक का शेप खराब हो जाएगा। और इसे खोल लेते हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मोदक हमारा बहुत ही प्यारा बन के तैयार हुआ है। इसी प्रकार हम सारे भी मोदक बना के तैयार कर लेंगे। तो आप सभी को मेरी मोदक की रेसिपी कैसी लगी, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली नई रेसिपी में, तब तक के लिए धन्यवाद।